हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और हमारे नए चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर हम फोटो एडिटिंग की वीडियो अपलोड करते हैं, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, कि फोटो एडिटिंग फोटोशॉप में हम कैसे कर सकते हैं, मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। आई होप कि हमारा चैनल आपको पसंद आएगा। आज जो हम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं वो आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रही होगी। हम ये वाला आज पिक्चर एडिट करना सीखेंगे कि हम इस फोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं आगे ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फ़ोटो एडिटिंग की। तो हम सबसे पहले अपने फोटोशॉप में आ जाएंगे। फोटोशॉप में आने के बाद ये हमारी फोटो है। अब ये फोटो जो हमारी है, हम अभी इसे क्रूपिंग करेंगे। पेन टूल पे जाके हमें इसे क्रूपिंग करना है, स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ध्यान से हम इसकी क्रूपिंग करेंगे ताकि हमारी फोटो बहुत अच्छी बने। ग्रुपिंग होने के बाद हम इसे जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पर करेंगे और इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम अपने फोटो के ऊपर जाएंगे। जो ये मैंने इससे हम अपने हेयर को कटिंग करेंगे, ये जो ऑप्शन है जो आपके सामने, इसका पहले हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। और ये मतलब हमारे बाल जो हैं, हेयर, वो सही से क्रूप हो जाएं, क्रूपिंग हो जाए, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएं। इस तरीके से हम इसे रफ करते चले आएंगे। ये होने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके होने के बाद हम इस ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे मास्क पे, तो हमारी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसके होने के बाद अब हम अपनी बैकग्राउंड लेकर आएंगे, जिस बैकग्राउंड के ऊपर हमें ये सेट करना है। सबसे पहले हम ये बैकग्राउंड सेट करेंगे कि हमें कितना बैकग्राउंड चाहिए। तो मेरे को दोस्तों इतना बैकग्राउंड चाहिए। उसके बाद हम इसे नीचे कर देंगे और अपनी फोटो जो हमारा ये मॉडल है, हम इसे सेट करेंगे यहाँ पर, ये कहाँ पर अच्छा लगेगा। आई थिंक कि यहाँ पर सही लगेगा। हाँ, यहाँ पर ये सही लगेगा। इसकी हम थोड़ी सी सही कर लेंगे। उसके बाद हम इसे राइट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो अब हमारी फोटो सेट हो चुकी है। हमारा ये बंदा यहाँ पर सेट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे हेयर के ऊपर जो थोड़ा सा वो आ रहा है, ये क्रोपिंग में जो हमारे से हुई है थोड़ी सी मिस्टेक, इसको हम सही करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करने के बाद ब्रश पे जाएंगे। ब्रश पे क्लिक करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और जूम करके पिक्चर को हेयर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की साइड। अब ये जो आपको दिख रहा है, हम इसे साफ करेंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये पहले हम साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और अरे नहीं, ये तो सिर को मिटा देगा। थोड़ा साइज और कम कर लेंगे। अब हम इसे इरेज करना चालू करेंगे बहुत ध्यान से, ताकि हमारे बाल भी खराब ना हो और ये इरेज भी हो जाए अच्छी तरीके से और पता ना चले। इस तरीके से हम इरेज करेंगे इसे बड़े ध्यान से। ये बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे इरेज करते जाएंगे और जो कमी होगी वो इसके ज़रिए दूर करते जाएंगे। जैसे वाइटपन दिख रहा है, ये हर चीज़ दिख रही है, उसे हम इरेज करते चले जाएंगे। अब हमारे हेयर बिल्कुल सही हो गए हैं।
तो अब हम इसके साथ अब जो हमारा बाकी काम रह गया अब हम वो करेंगे। हेयर सेट हो चुके हैं, अब हम बनाएंगे शैडो जो हमारे पैर के नीचे आएगी, जो शैडो होती है जो रियलिस्टिक वाला इफेक्ट आ जाए हमारे फोटो में। हार्डनेस हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और हम शैडो बनाएंगे। इस तरीके से हम अपनी शैडो को इसमें एडजस्ट करवाएंगे अपने पैर के नीचे ताकि हमारी शैडो एकदम रियलिस्टिक सी लगे। दोनों पैरों के नीचे हम इसी तरीके से शैडो बनाएंगे। शैडो बनाने के बाद अब हम अपने फेस की तरफ जाएंगे जूम करके फोटो को, और जो डार्क स्पॉट है उन्हें हम ब्रश पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके स्पॉट वाले पे क्लिक कर देंगे और हम ये सारे डार्क स्पॉट जितने भी चेहरे पर आ रहे हैं, काले काले से धब्बे, ये सारे हम क्लीन करेंगे जो भी थोड़े बहुत हैं। ये इस तरीके से हम क्लीन करते चले जाएंगे माथे के ऊपर से, ये सब ना थोड़ी पे से, नोज पे से, इस तरीके से हम इसे साफ करते चले जाएंगे। और जो हमारे टी शर्ट पे भी अगर कुछ है जिस तरह वाइट वाइट पन सा जो मैं रिमूव कर रहा हूँ साफ, आप इससे ये भी साफ कर सकते हैं ताकि आपकी टी शर्ट वगैरह साफ दिखाई दे। तब ये जो वाइट वाइट सा दिख रहा है ये सब क्लीन हो जाएगी, ये जो वाइट वाइट सब मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जैकेट की वजह से आ गया था, जो मैंने फैदर की जैकेट पहन रखी थी। इसके बाद हम ब्रश पे जाएंगे, ब्रश पे जाने के बाद मिक्सर ब्रश पे क्लिक करेंगे और अपनी स्किन को स्मूथ करेंगे जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हम इस तरीके से अपनी स्किन को स्मूथ करेंगे, दिख रहा है आपको हल्का हल्का इफेक्ट? अभी मैं इसे बड़ा करूँगा तो और अच्छी तरीके से आपको दिखेगा, मतलब जो स्किन जो है फिर हमारी बहुत अच्छी दिखेगी फोटो जो हम बना रहे हैं। थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेंगे टूल का और इस तरीके से हम अपनी स्किन को स्मूथ करते जाएंगे, गाल पे से, आंखों पे से, नोज पे से, इस तरीके से हम इसे गले पे से, हर चीज पे से क्लियर करते जाएंगे। इसके होने के बाद हम फिल्टर पर जाएंगे, फिल्टर पर जाने के बाद हम कैमरा रो फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी फ़ोटो को कलर एडजस्टमेंट करेंगे अपने हिसाब से, अपनी फ़ोटो के हिसाब से, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये ऑप्शन खुलकर आ चुका है कैमरा रो फिल्टर का। यहाँ पर हम अपने कलर सेट करेंगे ताकि हमारे पीछे जो फ़ोटो है उसके बैकग्राउंड के साथ हमारे कलर मैच हो जाए। थोड़ी सी कंट्रास्ट वगैरह हम कर लेंगे इंक्रीज और कलर वगैरह हम इंक्रीज कर लेंगे ताकि पीछे के बैकग्राउंड के साथ हमारा भी कलर मैच हो जाए, हमारे कपड़ों का, हर चीज़ का। इस तरीके से हम इसे, तो ये सब सिलेक्ट होने के बाद करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। अब हमारी फ़ोटो हो चुकी है कलरफुल, अब हमें बैकग्राउंड को भी ऐसा ही करना है ताकि हमारी फ़ोटो के साथ बैकग्राउंड मैच हो। तो अब हम इसी तरीके से फ़िल्टर में जाएंगे, कैमरा रो फिल्टर पे क्लिक करेंगे और इसी तरीके से इसकी भी कलर एडजस्टमेंट करेंगे अपने इस बैकग्राउंड की, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हम कंट्रास्ट वगैरह, इसकी हर चीज़, शेडो वगैरह सही तरीके से एडजस्ट करेंगे। आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं अपनी फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो हम इस तरीके से कलर एडजस्ट करके इसे ओके कर देंगे, अभी हमारा फ़ोटो हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगा और हम बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएंगे। हो गया ना, देखिए मैच, और कलर भी कितने अच्छे आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने शेडो बनाई थी उसे देखेंगे, उसे सही तरीके से हम दोबारा सेटअप करेंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है और साथ में हमारा भी,
हम उसी के हिसाब से इसे सेटअप करेंगे शेडो को दोबारा से। शेडो सेटअप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसे लाइट इफेक्ट बनाएंगे। जो पीछे से गाड़ी के पास से जो लाइट आ रही है ना पैर के पास से, हम इसे बनाएंगे। हम एक न्यू लेयर बनाएंगे और अब उसके बाद हम ब्रश पे जाएंगे। ब्रश पे जाने के बाद हम जो लाइट इस पे, ये जो लाइट आ रही है हम इसे कॉपी करेंगे, जो ये लाइट है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेंगे और इसमें हार्डनेस को बिल्कुल ज़ीरो रखेंगे और इस तरीके से क्लिक करेंगे ताकि लाइटिंग वाला इफ़ेक्ट हमारी जीन्स पैंट पर भी आए, ताकि ऐसा लगे कि इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आ रहा है। ओह, ये तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे छोटा करना होगा, छोटा कर। इस तरीके से साइज़ हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे और इस तरीके से क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे कहाँ पर ये सेट हो रहा है, जिस पर भी है लाइटिंग पे सेलेक्ट हो रहा है यहाँ, ओ या फिर किसी और लाइट कलरिंग लाइटिंग पे ही सही है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे और पूरे जहाँ पर लाइट लाइट होनी चाहिए वहाँ पर हम इस तरीके से लाइट सेटअप करेंगे। आप भी इसी तरीके से लाइटिंग इफेक्ट अपनी फ़ोटो में डाल सकते हैं, सेम जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको ऐसी चीज़ के आपने बैकग्राउंड से लिया जिसमें लाइट की है, तो इस तरीके से आप अपनी पैंट पे जैकेट पे इफ़ेक्ट कर देंगे इफ़ेक्ट को। लाइटिंग इफेक्ट डालने के बाद आप इस तरीके से उसे हल्का हल्का सा मिटा दीजिए ताकि वो रियल लगे लाइटिंग इफेक्ट। और लाइटिंग इफेक्ट होने के बाद, ये फाइनल होने के बाद, अब हम इस तरह न्यू ये खाली EMT लेयर बनाएंगे। EMT लेयर बनाने के बाद हम इस तरीके से ग्रेडेंट पे जाएंगे और नीचे शिफ्ट दबा के ऊपर को इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से हम ग्रेडेंट ब्लैक सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के इसे कर देंगे और फिर यहाँ पर जाके हम इसे मल्टीपल पे क्लियर कर देंगे और फिर इसके बाद ओपेसिटी हम इसकी सेलेक्ट कर लेंगे अपने फ़ोटो के हिसाब से, जितनी भी हर किसी को अपने फ़ोटो के हिसाब से रखनी होती है। तो इस तरीके से हम ये ग्रेडियंट डाल देंगे ताकि हमारी फ़ोटो और अच्छी लगे। इसके बाद हम फिल्टर में जाएंगे, कैमरा रो फिल्टर में जाएंगे दोबारा से और अपने पूरे फ़ोटो के कलर को एडजस्ट करेंगे। जितना भी हमने फ़ोटो बनाया है उसके कलर हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम कलर एडजस्ट करते जाएंगे। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से करेंगे, मैं अपने फ़ोटो के हिसाब से कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने कलर एडजस्ट करते जाना है। इस तरीके से आप कलर इसके एडजस्ट करेंगे। तो आप इसे ओके कर देंगे, फिर आप एक ओपन करेंगे, जो मैंने अपने फ़ोटो के लिए लोगो बनाता हूँ वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, वो जो फ़ोटो मैं अपने अपने फ़ोटो बनाए हुए पे लोगो लगाता हूँ अपना बनाया हुआ, ताकि मुझे पता रहे कि इस फ़ोटो को मैंने एडिट किया है। तो यहीं कहीं मेरी फाइल पड़ी हो, ये रही। तो यहाँ से लोगो हम कॉपी करके अपनी फ़ोटो पे ले जाएंगे और इस तरीके से हम इसे यहाँ पर सही कर देंगे। इस तरीके से हम अपना लोगो कॉपी करके इधर ले आएंगे और फिर उसके बाद हम इसे यहाँ पर इसका ग्रेडियंट में जाके, इस ऑप्शन में जाके हम इसको ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, वाइट वाइट सॉरी वाइट
ओके कर देंगे और इसे इन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा लोगो जो है वो वाइट हो जाएगा और हम अब इसे कहीं पर भी सेटअप कर देंगे जहाँ पर ये सही लग रहा होगा। आई थिंक यहाँ नहीं, यहाँ थिंक यहाँ पर सही लगेगा लोगो, यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा। ये हमारा लोगो हो गया सेटअप। तो दोस्तों देख सकते हो आप ये फोटो। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा इसकी जो एजिस हैं फोटो के उन्हें सही करना, मतलब ये फोटो इस बैकग्राउंड से अलग नहीं लगना चाहिए, मतलब इसकी एजिस जो हैं कोने के वो हम मिटाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस ऑप्शन में जाएंगे और ब्लर टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम अपनी फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से जूम करके हम इस तरीके से इसे यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से क्लिक करते चले जाएंगे। क्या होगा, ये जो इसके एजिस हैं जो किनारे हैं वो मिक्स हो जाएंगे, मतलब स्मूथ हो जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा बैकग्राउंड से फ़ोटो अलग है या फिर बैकग्राउंड अलग से लगा रखा है, ये एजिस को छुपा देता है। तो इस तरीके से हम इसे कोने कोने पे, मतलब जहाँ जहाँ हमने क्रॉपिंग करी थी वहाँ वहाँ हम इसे इस तरीके से फेरते जाएंगे। और इस तरीके से आप फेरने के बाद ये आपका फाइनल हो जाएगा फोटो। तो अब आप अपनी फोटो देख सकते हैं। मैं आपको इसके और भी लुक दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इसे कौन कौन से, मतलब जैसे कि आप फिल्टर कहते हो, फिल्टर किस तरीके के आप फिल्टर इसके ऊपर लगा सकते हो, या भी किस तरीके से आपको फोटो अच्छा लग सकता है, मैं आपको काफ़ी फिल्टर दिखा दूंगा। देखिए अब मैं आपको फिल्टर दिखाता हूँ, आप फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। आपने फोटो को इस तरीके से सेटअप कर लिया, अब आप जाएंगे इस ऑप्शन में, और यहाँ पर कलर लुकअप पे क्लिक कर देंगे। सबसे ऊपर लोड 3D लोटस है, आप इन सब में सेलेक्ट करते जाएंगे कीबोर्ड से, डाउन वाले बटन से आप देख लेंगे आपको कौन सा फिल्टर अच्छा लग रहा है, उसे फिर आप अपने फोटो को सेव कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, या फिर और भी बहुत सारे फिल्टर हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो मैं तो इसे उसी फिल्टर में रखने वाला हूँ जो मैंने ओरिजिनल बनाया, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे फिल्टर इस पर यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे कैसे लुकअप, अलग ही गज़ब का लुक आ रहा है, बहुत ही मस्त फोटो बना है। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये फ़ोटो कैसा लगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको इसके 3 वेरियंट और दिखा देता हूँ कि आप ये, इसके मैंने अलग से 3 वेरियंट बनाए थे, शायद वो भी आपको पसंद आए। और इसे हम सेव कर लेंगे, सेव एज पर जाएंगे हम, यहाँ पर हम फोटो का नाम कुछ भी डाल देंगे और यहाँ पर हम JPG कर देंगे सेव। ये मेरे पास पहले से हुई, मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ और ओके कर देंगे हम, ये हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप ऐसे कमाल कमाल के फ़ोटो बना सकते हैं। और बाकी मैं आपको और भी वेरिएंट दिखाता हूँ इस फोटो के। तो आप इस 3 तरह के आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले ये सिंगल है, इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। दूसरा आप इस तरीके से कुछ डिज़ाइन आगे लगा सकते हैं ब्लर करके, जैसे कोई जिसे ब्लॉक कहते हैं ना, रोड ब्लॉक कर देते हैं, इस तरीके में मैंने डिज़ाइन बनाया था ये, तो आप इस तरीके की बना सकते हैं, या फिर इस तरीके का कर सकते हैं, या फिर आप वैसा ही जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया आप वैसा ही फोटो कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबाते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।